मेरा मेरा सजेशन ये है बच्चों से, जो भी आपके यूट्यूब वगैरह जो देखेंगे, मेरा सजेशन है कम से कम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शशांक और मैं हूँ आज उत्तराखंड में, देहरादून। यहाँ की उत्तराखंड की जो क्रिकेट अकेडमी है उसके अंदर ये हमारे हेड कोच सर बीएन अग्रवाल सर एंड ये शेखर सर एंड ये हमारे क्रिकेटर तेजेंद्र सिंह एंड ये सर प्रसन्नजीत बोस। एंड सर आपका रोल क्या है, लाइक आप तीनों कोच हैं तो आपका रोल क्या है कोच की उसमें? मेरा रोल है जूनियर सेक्शन को हैंडल करना और पूरा देख रहे सब जूनियर अंडर 14 तक सारे बच्चे मेरे अंडर होते हैं। ओके, अंडर 14 का सारा सारा आप देखा सर आपका? मैं यहाँ का हेड कोच हूँ और मेरा काम ये है कि जितने भी हमारे सीनियर बच्चे हैं उनको उनके गेम को कैसे इम्प्रूव कराना है और जो दूसरे बच्चे हैं उनको उनसे कैसे इम्प्रूव कराना है, ये मेरा अहम काम है। ओके, और सर आपका क्या रोल है? मैं भी सीनियर ग्रुप को देखता हूँ, जो 14 से ऊपर हो जाते हैं उन सारों को हम ही देखते हैं सर के साथ, अग्रवाल सर के साथ। ओके, आपने अभी बताया मुझे कि आप जब 14 ईयर से कम के जितने बच्चे होते हैं सबको आप ट्रेन करते हैं, डिसिप्लिन उनके अंदर कम होता है, तो उनको आप हैंडल कैसे करते हो? क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता होगा, तो कैसे करते हैं आप वो? जी, हैंडल करना तो मुश्किल होता है लेकिन एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। इनको किसी चीज़ में क्रिकेट रिलेटेड टू क्रिकेट किसी फन गेम्स में एंगेज कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली वो क्रिकेट खेल नहीं आ रखे तो फन गेम्स में एंगेज कर दिया, उसको प्रेशराइज कर दिया, सिचुएशन दे दिया, तो उसमें लग जाते हैं धीरे, प्रोसेस बाय प्रोसेस। रिवॉर्ड्स देते हैं हम, प्लेयर ऑफ द मंथ देते हैं, तो वो करते करते डिसिप्लिन के साथ में सब डिसिप्लिन वे ऑफ लिविंग सब बताते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस में चलता रहता है। जैसे ये 14 ईयर के बच्चे हैं, अब सीधी सी बात है बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि कौन कैसे खेले, वो तो चलो आप ट्रेन कर दोगे, ठीक है, इतना भरोसा है आप कर सकते हो बिल्कुल, एक दफ़ा अगर आप उनको हैंडल कर सकते हो तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है, दैट इज़ कि जो बच्चे होते हैं आप उनको उनके अंदर कैसे स्पार्क कैसे देख सकते हो, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सपोज 50 बच्चे हैं तो उनके अंदर कुछ 2, 4, 6, 8 बच्चे जो आप देखते हो कि हाँ ये बच्चा आगे भेजना चाहिए? वो बच्चे में दिख जाता है, जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, हर कोई नेचुरल नहीं होता, कुछ कुछ बच्चा नेचुरल होता है, हर किसी किसी में मेहनत करके देखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है 3 to 4 months या 6 months, उसमें देखें धीरे धीरे फिर वैसे ही पता चलता है उस चीज़ को। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपने बताया कि आप 14 से अबव जितने भी प्लेयर होते हैं उनको आप हैंडल करते हो, चलो ठीक है 14 तक तो सर ने डिसिप्लिन करा के एकदम रेडी कर दिया कि ठीक है ये हमारे प्लेयर, आपका फिर आगे उनको आगे ले जाने का आपका माइंडसेट कैसे होता है कि उनको और आगे कैसे लेकर के जा सकते हैं? देखिए 14 के बाद जब बच्चों को सर के पास से हमारे पास आते हैं, प्रमोट होते हैं अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे में कुछ होता है, कुछ स्पार्क होता है, उसमें खेलने की जज्बा होता है, तो वो बच्चा 14 के बाद आते के साथ ही अपना इम्प्रूवमेंट दिखाता है। कुछ होते हैं जो इम्प्रूवमेंट उनका डाउन हो जाता है, तो जिनका इम्प्रूवमेंट डाउन होता है उनको हम फर्दर कैटेगराइज करके उन्हें हम उनके बेसिक्स पे चले जाके, ड्रिल्स पे जो सर के पास करें उन्होंने उसको ही एडवांस करके उनको बेसिक्स में डाल देते हैं। जिनका इम्प्रूवमेंट होते हैं मैचेस में, उनका पता चलता है कि कितना उनका आउटपुट आ रहा है, मैचेस करवाते हैं हम, उनके मैचेस कंडक्ट करवाते हैं 14, 16, 17 जितने भी होते हैं एज ग्रुप के हिसाब से, तो उसके बाद हम उनके मैचेस से जो जिन जिन की अच्छाई निकलती है, जिन जिन के गेम में इम्प्रूवमेंट निकलता है, उनको फिर हम आगे तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बो ट्रॉफीज़ के लिए, कि ये बंदा हमारा बो ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसे हम उसके लिए अलग से प्रिपेयर कराते हैं। फिर अग्रवाल सर का रोल आ जाता है उसमें, फिर अग्रवाल सर उन्हें एडवांस स्टेप्स देते हैं ताकि वो बो ट्रॉफी के लिए वहाँ ट्रायल पे किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीज़ों का ध्यान देना है, किस कैटेगरी का टूर्नामेंट के लिए वो भाग ले रहे हैं, अगर 16 के लिए ले रहे हैं तो डेज फॉर्मेट है, 19 के लिए ले रहे हैं तो वन डे भी आ जाएगा उसमें, और 23 और ओपन में आएंगे तो T20 के लिए भी उन्हें प्रिपेयर करना है हर माइंडसेट में, हर गेम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे है, दोनों सर तो हैंडल करते हैं पूरे जो 14 ईयर से अबव है, एंड सर हैंडल करते हैं कि 14 ईयर से नीचे के जो प्लेयर हैं, आप इन दोनों में आप कहाँ पे लाइक आप किस चीज़ को हैंडल करते हैं? मैं पहली बात तो देखता हूँ डिसिप्लिन, ठीक है, जैसे मेरी आपके प्लेयर हैं तेजेंद्र सिंह, इनसे मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनका स्टेट उसमें जा रहे थे रणजी के लिए, बट इनको डेंगू हो गया एंड उसकी वजह से ये जा नहीं पाए, तो ऐसे अब से अगर आप नहीं खेल पाते हैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, अब ये खेल नहीं पाए तो इनका डीमोटिवेशन होना, सबसे बड़ी चीज़ है DII, ओके, इलनेस इंजरी एंड डिसिप्लिन। ओके, इलनेस खुद से आती है, इंजरी भी खुद से होती है, डिसिप्लिन भी खुद से होती है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको आगे बढ़ाता है कि आप घर में
कोचिंग भले कैसे आप रहते हो क्योंकि आपको डर है, घर में आप खाना पीना रहना सोना सब अलग वे में करते हैं। जैसे आप कोचिंग का माहौल है, अगर घर में जाके वो माहौल पैदा कर दिया तो निश्चित ही आपकी डिस्प्ले अच्छी होगी और आप बहुत ऊपर जाओगे खेलोगे। प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड में तो सर इंजरीज हो जाती हैं प्लेयर को, कभी किसी का पैर ट्विस्ट हो गया, कभी किसी को लग गई बॉल लग गई, तो उस टाइम पे आप एट दैट टाइम आप कैसे उनकी इंजरी को रेक्टिफाई करना? मैं बता रहा हूँ, इंजरी कई डिफरेंट तरीके होती है। एक तो एक्शन गलत होता है, ठीक है, वो इंजरी तो मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ। अगर आपका एक्शन गलत है, इंजरी दर्द हो रहा है कहीं हो रहा है तो ठीक हो गया। सेकेंड इंजरी होती है कि आप आपस में लड़ गए, फील्डिंग कर रहे हैं लड़ गए, तो वो थोड़ा सा टफ होती है जब हम आइसिंग करते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा सा टफ हो गया तो फिर डॉक्टर दिखाओ। अभी जैसे अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो एकेडमी है, तो इसमें आपके पास में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? लाइक अगर कोई आपने जैसे बताया कि फील्ड में अगर लड़ गए आप, तो उसके लिए फिर आपके पास में क्या क्या फैसिलिटी? हमारे पास कई ऑप्शन हैं, हमारे पास फिजियो भी हैं और हमारे पास ट्रेनर भी हैं। बाकी अब मुझे सर आपको जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन है, ये आपने सर बैट पकड़ रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए कि मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, देखिए इसके बारे में ये कैसे बनता है, क्या होता है? बैट से तो सब खेलते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, 90% लोग नहीं जानते होंगे। हमारी हैंडल होती है ये करीब 8-9-10 गेंद की होती है, ओके, ठीक है, जिसमें आप देखिए जब ऐसे करेंगे तो देखिए ये लोच ले रही है, देखिए ये हिल रही है। अगर जिस हैंडल अच्छी नहीं होगी जिस बैट की, अब ऐसे करोगे नहीं लेगी, वो बैट को लेना चाहिए ही नहीं। मेरा सजेशन ये है बच्चों से, जो भी आपके यूट्यूब वगैरह जो देखेंगे, मेरा सजेशन है कम से कम कुछ जान लें। तो गली क्रिकेट में भी ये नहीं लेना चाहिए? हाँ, नहीं लेना चाहिए गली क्रिकेट में भी ये वाला जो सर ने बताया, कुछ अच्छे बैट लो, जिससे कि अगर आपकी सोच है ऊपर जाने की है तो आपका बैट भी तो अच्छा होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तेजेंद्र सिंह से है। सो आपने बताया था मुझे कि आपको डेंगू हुआ था, आप बीमार पड़ गए थे, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब आपको ये पता लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको लाइक अंदर से क्या लगा था, आपकी फीलिंग क्या थी एग्जैक्टली? शुरुआत में तो मैं डीमोटिवेट हो गया था, उसके बाद सारा साल मैंने मेहनत करी है और पूरा ग्राउंड को अपना टाइम दिया है, डिसिप्लिन के साथ काम किया है, बट बीमारी कोई ऐसी चीज़ है जो प्लेयर खुद नहीं पालता। टाइम की बात है कि टाइम ख़राब हुआ और वो मैं बीमार हो गया, बट उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैंने भैया से बात करी, सर से बात करी, तो इन लोगों का काफ़ी मॉरल सपोर्ट है मेरे साथ, और अब हम काम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो होपफुली कि हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करें और नेक्स्ट ईयर तो अपना अचीवमेंट गोल को अचीव करें अपना। तो अभी फिर क्या, अभी आपका एकदम फोकस्ड गोल हो गया है कि हाँ अब हमें जो है नेक्स्ट ईयर रणजी खेलना ही खेलना है कैसे भी? नीरज जी मेन एम है इंडिया खेलना है, ओके, और रणजी जैसा सर ने बोला कि रणजी तो स्टार्टिंग है वहाँ की, तो अगर मेरे को इतनी बड़ी क्रिकेट के लिए प्रिपेयर करना है तो मुझे अप्स एंड डाउन्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। बाकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वीकनेस है, इंजरीज हैं या डीमोटिवेशन है, वो मैं सर से बात करता हूँ, ये लोग मुझे बताते हैं, सजेशंस देते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इन्होंने उस चीज़ों को कैसे हैंडल किया, डील किया, और फिर हम मिलके उस चीज़ पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी वीडियो में आए एंड आपने अपनी एकेडमी के बारे में बताया, क्रिकेट के बारे में बताया, इतना अच्छा लगा। एंड सर आपको तो सर हैट्स ऑफ है कि आप 14 साल से कम के बच्चों को आप सर संभालते हैं, सर आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। आई होप कि तू इंडिया खेले नेक्स्ट ईयर, IPL में देखना चाहते हैं।